वर्तमान में विकास की परिभाषा का संबंध आर्थिक विकास से, और आर्थिक विकास यानी एक तरीके से भौतिक विकास। यदि मैं विकास की बात करूं तो विकास के कई स्वरूप हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास आदि आदि। ये जो यह सामाजिक विकास, ये जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के कारण ही पर्यावरण की अवनति हो रही है और अवनति का परिणाम प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण की अवनति हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की एक सामाजिक लागत का घटक है, अर्थात आर्थिक विकास की एक कीमत हमें चुकानी पड़ रही है पर्यावरण अवनति के रूप में, पर्यावरण की गिरावट के रूप में। तो एक ओर जहां विकास हो रहा है, दूसरी ओर पर्यावरण में ह्रास आ रहा है, गिरावट आ रही है। इसका समृद्धि या विकास की गति से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। विकास की गति जितनी बढ़ेगी, पर्यावरण उतना ही प्रभावित होगा। और यदि हम पर्यावरण के प्रभावित होने की बात करते हैं तो बात स्पष्ट है कि दुष्प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक समृद्धि और विकास की गति जितनी तेज होगी, पर्यावरण अवनति की गति भी उतनी ही तेज होगी। उदाहरण के लिए एक बात स्पष्ट करें, वायु प्रदूषण की बात लेते हैं। पहला, एयर पोल्यूशन जिसे बोलते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कब होता है? जब यंत्रीकरण या स्वचालित मशीनों पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है, मशीनीकरण बढ़ती है। और विकास में मशीनीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है। जितना मशीनीकरण होगा उतना विकास होगा, जितना विकास होगा उतना ही पर्यावरण में अवनति होगी, गिरावट होगी। ऊर्जा, कोयला की बात करें, मिट्टी का तेल, डीजल, इसका प्रयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जितना अधिक इसका प्रयोग कर रहे हैं वायु में, उतना ही पोल्यूशन, प्रदूषण, दूषित पदार्थ छोड़े जाते हैं। ये धुआं शरीर के लिए हानिकारक है, स्वाभाविक है। ये धुआं पर्यावरण की आबो हवा को प्रभावित करता है, और इसी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर जो खर्चा किया जा रहा है वो विकास की सामाजिक लागत को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा, इसका एक बहुत ज़्यादा घटक बन गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, चौंका देने वाला घटक बन गया है। अर्थात विकास के नाम पर लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बढ़ते बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के लिए हम उनके स्वास्थ्य, मानव जाति के स्वास्थ्य सुधार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जो खर्च हो रहा है वो एक बहुत बड़ा खर्च है। तो क्या यही विकास उचित है? एयर पोल्यूशन के बाद जल पोल्यूशन पे भी थोड़ा ऐसी नज़र डालें, वाटर पोल्यूशन पे, जल प्रदूषण। आर्थिक विकास की प्रतिक्रिया के कारण, जैसा मैंने बताया, औद्योगिक उत्पादन भारी मात्रा में, औद्योगिकरण भारी मात्रा में, फैक्ट्रियों का, उद्योगों का, उत्पादन करने वाले कारखानों की बड़ी मात्रा में स्थापना होती है। और ये जहाँ भी रहते हैं सामान्यतः अपना वेस्ट जो है वो नदी पानी में डालते हैं, नदी में चला जाता है, नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में। पर्यावरण प्रदूषण की यदि बात करें तो कपड़ा उद्योग का इसमें विशेष योगदान है। कपड़ा उद्योग में जो रंगाई, कपड़ा उद्योग में जो प्रिंटिंग, और कपड़ा उद्योग में अन्य तरीके के जो रसायनों का प्रयोग होता है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है माहौल को। और ये प्रयोग के बिना कपड़ा उद्योग उद्योग नहीं रह जाता। औद्योगिक अपविष्टों को
औद्योगिक वेस्ट को प्रायः, जैसा मैंने कहा, नदियों में, नालों में बहा दिया जाता है, नहरों में बहा दिया जाता है, वो आगे जाके नदियों में, नदियों से फिर वो समुद्र में चला जाता है। इसका स्पष्ट परिणाम जल संक्रामक बीमारियां, यानी फिर स्वास्थ्य, मानव जीवन, पशु जीवन, जल में रहने वाले मछली और अन्य जो प्राणी हैं उन पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, खासकर मछलियां जो कि इसी के सहारे जीवित रहती हैं। शोर प्रदूषण का मैंने जिक्र पूर्व में किया, यानी नॉइज़ पोल्यूशन, और ये नॉइज़ पोल्यूशन किससे होता है सबसे ज़्यादा? मशीनीकरण से, स्वचालित प्रक्रिया से। और नॉइज़ पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण हो गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसका हॉर्स पावर जितना ज़्यादा होगा शोर उतना ही अधिक होगा। हॉर्स पावर जिसका, यानी इसमें जिस मशीनों में जितनी ज़्यादा ताकत दे दी जाएगी वो उतना ही ज़्यादा वो पोल्यूशन करेगा, अकारण शोर पैदा करेगा, जिससे मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। व्यर्थ का शोर, लोहा, उत्पाद का उत्पादन करने वाले असंगठित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यदि आप जाएं तो कान बहरे हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, बहरा कर देने वाली आवाज़, जो कि सार्वजनिक स्थानों के लिए बहुत हानिकारक है। इसका असर भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। रेडियोधर्मी और तापीय प्रदूषण की बात करें, जो कि चौथा पहलू है, रेडियोधर्मी अर्थात रेडियो एक्टिव, जिनमें विकिरण होता है, विभिन्न प्रकार के कण और किरणें उससे उत्पन्न होती हैं। ये कण किरणें वायु में चली जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं, जल में चली जाती हैं और प्रदूषण पैदा करती हैं। नाभिकीय विस्फोट की यदि बात करें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, परमाणु संयंत्र ऊर्जा, हाइड्रोजन बम, ये सब आवाज़ के कारण, विकिरण के कारण और अन्य कारणों से प्रदूषण के बहुत बड़े कारक हैं। तो वायु, जल, रेडियोधर्मी, शोर, इसके बाद अंतिम है मिट्टी। मिट्टी जिस पर पूरा मानव समाज आधारित है, पूरी मानव सभ्यता जिस पर रह रही है, वो मिट्टी स्वयं भी इस प्रदूषण से नहीं बची है। और इसका मुख्य कारण है मिट्टी के साथ अस्वाभाविक रूप से छेड़छाड़ करना, मिट्टी खोदना, उस मिट्टी को खोदकर अन्य उद्देश्य के लिए उस मिट्टी को यहाँ वहाँ ले जाना। तो ये जो अस्वाभाविक बदलाव है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण का कारण बना हुआ है। साथ ही उर्वरक, कीटाणुनाशक, इन सब पदार्थों का बढ़ता उपयोग कृषि के लिए जो अपरिहार्य हो चुका है, क्योंकि कम उपजाऊ होती ज़मीन में पर्याप्त खाद्यान्न के उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिसके काफ़ी हानिकारक परिणाम हम देख रहे हैं। और पौधों की वृद्धि भी रुक रही है, मरुभूमियां बन रही हैं और बहुत सी ज़मीन तो इतनी जहरीली हो चुकी हैं कि वहाँ पौधे लगाने पर भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक कीमत बहुत ज़्यादा हमें चुकानी पड़ रही है इस तथाकथित विकास के नाम पर, और वो कीमत का जिक्र यहाँ हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ग्लेशियर की बात करें। ग्लेशियर, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बढ़ते तापमान के कारण वे पिघल रहे हैं। अब तापमान बढ़ क्यों रहा है, इसके भी कारणों पर हम बिंदुवार थोड़ा सा बात कर लें। तो पहला है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिसे हम ऐसी गैसों का आना, ऐसी गैसों का जन्म लेना, पैदा होना, ऐसी गैसों का विस्तार होना जो ग्रीन हाउस श्रेणी में आते हैं। और ये जो गैसें हैं वो कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल और उसके परिणाम स्वरूप होती हैं। यदि हम इन तीनों घटकों को, ऊर्जा के इन स्रोतों को मिला लें, तो इनके उपयोग से वर्तमान में लगभग 2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। हर व्यक्ति औसत
वर्ष भर में 1 टन कार्बन या 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है, वर्ष भर में हम 7 गीगाटन यानी 700 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में भेज रहे हैं। 700 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसेस पर्यावरण में हम प्रतिवर्ष भेज रहे हैं। और दूसरी ओर अन्य घटक भी हैं जो पर्यावरण को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण के इस ह्रास को रोका जा सके, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिससे इन पर्यावरण के ह्रास को रोका जा सके। इसी का परिणाम है कि ग्लेशियर पिघलने लगे। दूसरा कारण है जंगल और समुद्र से जो प्रभाव इन पर पड़ा है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सूखने का जंगल और समुद्र बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन अब जंगली जानवरों और जंगलों और महासागरों ने भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू कर दिया है। कुछ वर्षों तक, कुछ शतक पूर्व तक ये जो जगहें थी महासागर या जंगल, जंगल तो आज भी मानते हैं कि समुद्र को कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, महासागर भी करते हैं, लेकिन अब वहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच चुकी है कि महासागर के जल द्वारा या जंगलों द्वारा पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना अब उनके लिए संभव नहीं है। उल्टे ये अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगे हैं, तो नदियों या महासागरों या जंगलों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उगलना ये एक गत कुछ सौ वर्षों की प्रक्रिया है, और उसका कारण है पर्यावरण में जो इम्बैलेंस हुआ है उसने इस समस्या को जन्म दे दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो समुद्र में जो पानी है वो भी भाप बनने लगा है, क्योंकि तापमान बढ़ गया है। ग्लेशियर बनने का तीसरा कारण आसमान से खतरा, अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से मात्र ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हैं बल्कि इन गैसों से ओजोन परत तो नष्ट हो रही है, जो हम जान रहे हैं। ओजोन परत ही हमें सूरज की जो खतरनाक किरणें होती हैं जिसे हम पैरा बैगनी किरणें कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसे पैरा बैगनी किरणें कहते हैं, उससे हमें ओजोन की परत बचाती है। अब ओजोन की परत स्वयं में बर्बाद हो रही है मानव जाति के द्वारा की गई विभिन्न तरह की छेड़खानियों के कारण, और इसलिए भी हमें आसमान से भी खतरा हो चला है, आकाश से भी खतरा हो चला है। इन उदाहरणों के अलावा हम सुंदरवन की बात करें, सुंदरवन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल में स्थित एक बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों वाला क्षेत्र था, और एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक इस सुंदरवन क्षेत्र का करीब 15% हिस्सा समुद्र में मिल गया, 15% हिस्सा समुद्र में समा गया, क्योंकि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ गया। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ये उसी का परिणाम है। धरती का तापमान अगला बिंदु है जिस पर बारंबार प्रकाश डाला गया है, और IPCC की पेरिस रिपोर्ट में 2100 में धरती का तापमान लगभग 1.5 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। 2100 अभी जो चल रहा है, समाप्त होते होते धरती का तापमान अधिकतम 4 डिग्री बढ़ जाएगा। 4 डिग्री का बढ़ाव होना औसत तापमान में अपने में बहुत ज़्यादा है, और ये जो रिपोर्ट है इसकी विश्वसनीयता पर इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये भविष्यवाणी किसी वैज्ञानिक सर्वे पर आधारित है, और लगभग 113 देशों के 3,700 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे तैयार किया। ग्लेशियर के पिघलने का एक
अन्य मुख्य कारण है कि अमेरिका में ग्लेशियर की खपत या अमेरिका में इन सब चीज़ों की खपत थोड़ी ज़्यादा है अन्य देशों की तुलना में 15-20%। और अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित देश है, इससे बड़ा साबित होता है कि विकास की बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो ग्लेशियर का पिघलना अमेरिका के तथाकथित विकास का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। अंतिम बात, इस पूरे काल में गत 100-200 वर्षों में ग्लेशियर लगभग 21% पिघल चुके हैं। 21% ग्लेशियरों का पिघलना यानी एक बटा पांच भाग इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग है। अमेरिका में जो ऊर्जा की खपत है अन्य देशों की तुलना में 1/4 ज़्यादा है, और ग्लेशियर्स भी जो हैं वे अमेरिका और उत्तरी अमेरिका इसकी सीमाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा हैं। तो विश्व में अमेरिका के तथाकथित विकास का खामियाजा पर्यावरण प्रदूषण के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब इन्हीं समस्याओं को हम दूसरे शब्दों में समझें, और वे है पर्यावरण के क्या खतरे हैं। जिस भी तरह का वातावरण है उसमें जो प्रदूषण हो रहा है वो तो सबसे बड़ा खतरा है। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण ये स्वयं में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये समस्याएं एक तरीके से हम लोगों के लिए खतरा ही हुए हैं। पर्यावरण वैश्विक चिंता का विषय क्यों बना ये तो अब हम समझ गए हैं, और वैश्विक राजनीतिक पर्यावरण के प्रति कौन कौन से कारण चिंता के हैं इसमें हमने विश्व कृषि भूमि की बात की, घटते उपजाऊपन की बात की, और खाद्यान्नों की परिणाम स्वरूप विश्व उत्पादन में बढ़ती समस्या की बात की। उसी प्रकार जल प्रदूषण, घटते हुए मत्स्य भंडार, समुद्रों में बढ़ता प्रदूषण और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग के जीवन यापन को प्रभावित करता हुआ प्रदूषण, इसकी हमने जिक्र किया। और अब तो समुद्र के आसपास तटों पर रहने वाले लोग अब वहाँ से तो पलायन भी करने लगे हैं बढ़ते प्रदूषण के कारण। किसी समय में समुद्र के किनारे रहना इसलिए एक प्रिविलेज माना जाता था क्योंकि वह एक आदर्श वातावरण, आदर्श पर्यावरण वहाँ का रहता था। अब बात बदल गई है, अब लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जल की सीमित मात्रा, जल की बढ़ती मांग, शुद्ध जल की ज़रूरत, लेकिन जल की सीमित मात्रा के साथ साथ जल का बढ़ता प्रदूषण, ये एक बहुत गहराती हुई समस्या है। मैंने जैसा आपको बताया उसको यदि मैं 2006 की रिपोर्ट की बात करूं, जो 2016 की तो मैंने बात की, 2006 की रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से ज़्यादा लोग उनको पीने का पानी उस समय नहीं मिल रहा था, जिसकी संख्या अब 2 अरब हो चुकी है। पर्यावरण के खतरों में वातावरण की स्वच्छता की बात बहुत अहम है। वातावरण की स्वच्छता, और उस स्वच्छता के लिए वनों की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जैसा बताया कि वन कटाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के हम भक्षक बन चुके हैं। केवल प्रकृति में वन ही दूषित वायु के भक्षक हैं, और बदले में वे स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आपको ये समझना होगा कि जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं साइकिल, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जिसके तहत वन दूषित वायु लेते हैं और शुद्ध वायु निकालते हैं, शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन युक्त। अब शुद्ध वायु, अब दूषित वायु का ग्रहण करने वाले, दूषित वायु को लेने वाले वनों की संख्या में कमी आ रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ती जनसंख्या के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तरह के प्रदूषणों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले वनों की मात्रा कम हो रही है। तो कहाँ जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? वातावरण में, और वातावरण को दिन बर दिन प्रदूषित करते जा रहा है। वन जो इतना अनिवार्य अंग है हमारे जीवन का, आज के युग में जनसंख्या और उद्योगों के कारण इनकी भारी कटाई हो रही है और स्वच्छ हवा धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस अंधाधुंध कटाई से जलवायु प्रभावित हो गई है, और जलवायु ही नहीं, जो जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता, वो भी प्रभावित हुई है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसी जैव विविधता के पर होने वाले दुष्प्रभाव का परिणाम है कि बहुत से जो वन्य जंतु थे वे विलुप्त हो गए हैं, इस धरती से गायब ही हो गए। ओजोन की परत की छेद का खतरा तो मैंने पहले ही बताया, और उसका परिणाम क्या है, उससे क्या खतरा हुआ है? तापमान में वृद्धि, विश्व के तापमान में वृद्धि। इस ओजोन की परत के छेद के कारण रेडिएशन, सूर्य की विकिरण का दुष्प्रभाव पड़ रहा, और विश्व का तापमान बढ़ रहा है, औसत तापमान। इस बढ़ते हुए औसत तापमान के परिणाम स्वरूप जो दुनिया भर में जो बर्फ है, प्राकृतिक बर्फ जिसे हम ग्लेशियर कह सकते हैं, हिमालय के रूप में जो बर्फ है, अन्य बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में जो बर्फ है, वो पिघल रही है। पिघलने का क्या परिणाम? जब इतने बड़े स्तर पर जब बर्फ पिघल रही है, तो वो पानी समुद्र तल के स्तर को बढ़ा रहा है। बढ़ता हुआ समुद्र तल का, समुद्र का जो स्तर है, वो ऐसे द्वीपों के लिए बड़ा खतरा हो गया है, उनके अस्तित्व के लिए, जो समुद्र स्तर से थोड़े ऊंचे पे हैं। कई देशों और कई द्वीप, उन लोगों को जलमग्न होने का खतरा हो गया है। ये खतरे की घंटी है। समस्याएं हमने समझी, अब उनसे होने वाले खतरों को देखिए। श्रीलंका, अंडमान निकोबार और विश्व के अनेक ऐसे लो लाइंग लैंड हैं जो जल स्तर से कुछ ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। यदि इसी तरह ग्लेशियर का पिघलना जारी रहा, तो एक दिन आएगा जब ये लो लाइंग लैंड, और तो और भारत जैसे देश के जो तट हैं, उसका काफ़ी कुछ हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। जब हम खतरे की बात करते हैं, पर्यावरण संबंधी खतरे की, तो एक और जहां ओजोन लेयर में छेद की बात आती है, होल इन ओजोन लेयर, ओजोन होल, तो दूसरी ओर एक शब्द और आज बहुत प्रचलित है, विश्व राजनीति में भी उसका बहुत अहम उसका वो हो रहा है उपयोग, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या मायने है? ग्लोबल मतलब वैश्विक, और वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि में बढ़ाओ, विश्व के तापमान में बढ़ोतरी, वह ग्लोबल वार्मिंग। सबसे सरल शब्दों में उसे हम कह सकते हैं। ये वैश्विक ताप जो है, विश्व का जो तापमान, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायन हैं, कुछ केमिकल्स हैं, इनके फैलाव से होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन संबंधित रसायन का जो विस्तार है,
उसका जो फैलाव है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। इसी तापमान के कारण, जैसा मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्रों को खतरा पैदा हो गया है डूबने का, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है, और धरती में जो जीवन है वो भी बहुत जगह इसीलिए खतरे में पड़ गया। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं। यदि हम उनको बिंदुवार थोड़ा समझें, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों को, तो पहला है, यदि इस बढ़ते तापमान को नहीं रोका गया तो बड़े बड़े तटीय शहर डूब जाएंगे, इसका जिक्र आपको पूर्व में हो चुका है। दूसरा है कि पूरा विश्व जो है अब अपना ध्यान ग्लोबल वार्मिंग से उपजने वाली समस्या के निराकरण में लग गया है। विकास, जनसंख्या को आधारभूत सुविधाएं, ये देने के बदले अब विश्व की राजनीति में इस मुद्दे ने एक बहुत अहम ध्यान खींचा है, सबका समय ले रहा है, धन ले रहा है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा। तीसरा है, भले ही सभी देश अपने 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 स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग को साधने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन निराकरण इतना सरल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि सभी देश क्या हो जाएं, औद्योगिक देश बने, सभी देश औद्योगिक रूप से विकसित बने। अब औद्योगिक रूप से यदि देश विकसित बनते हैं, और भी देश जो अभी गैर औद्योगिक देश हैं, उद्योग वहाँ खुलेंगे, उस उद्योग के दुष्परिणाम से पहले मानव सभ्यता को गुजरना होगा, उसके बाद ही वो जाके विकसित होंगे, तो वो स्टेज तो बाद में आएगी। पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पे नियंत्रण के लिए, उसमें किए जा रहे प्रयास के लिए जरूरी है कि पहले सब देश विकसित हों। ये एक अजीब विडंबना है कि विकसित होने की ज़रूरत है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इन देशों के विकसित होने की ज़रूरत है, और दूसरी ओर इन देशों के विकसित होने की प्रक्रिया में ग्लोबल वार्मिंग को खतरा भी है। तो ये एक बड़ा विषम चक्र है। इस चक्र को कहाँ पे तोड़ा जाए, ये लोगों की समझ से परे है। पर समाधान तभी संभव है जब सभी विकसित हों, क्योंकि उनके विकास में, उनका विकास ये सुनिश्चित करेगा कि साफ सफाई हो, गंदगी कम से कम हो, वनों का नाश कम हो, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम हो, आदि आदि। पर विकास होने की प्रक्रिया में जो प्रदूषण होगा, क्या उस प्रदूषण को झेलते हुए मानव सभ्यता विकसित हो पाएगी, ये एक सोचने का मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग का अगला दुष्प्रभाव, बढ़ता हुआ तापमान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। एक ओर जहां इस तापमान ने ओजोन लेयर में छेद कर दिया है, समुद्री तटों को खतरा है, वहां मानव के स्वास्थ्य को भी बड़ा खतरा हो गया है। अगला बिंदु दुष्प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का, कि इस तापमान के बढ़ने से और शुद्ध वातावरण न मिलने से मानव मानसिक और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं। उक्त रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एक बड़ा सामान्य बीमारी हो गई आज। लगभग हर दूसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर इसमें से एक कारण यही ग्लोबल वार्मिंग का बुरा प्रभाव, जिसमें तापमान जो बढ़ गया है सतत रूप से, आदमी को जहां ज़्यादा तापमान में रहना पड़ रहा है, सतत रूप से आदमी को जहां इस तरह के वातावरण में रहना पड़ रहा है, उसने मानव के मस्तिष्क में
और मानव के हृदय में दुष्प्रभाव छोड़ा है। तो मानसिक और हृदय संबंधी रोग, साथ ही बढ़ता रक्तचाप, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। साथ ही बच्चों का मानसिक विकास भी इससे प्रभावित हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जो मैंने जिक्र किया है, उस संबंध में आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में या इस शताब्दी के दौरान और पूर्व में भी जो बहुत सारी महामारियां हुई, उनकी जड़ में ये प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण था। अर्थात वैश्विक तापमान बढ़ने से ऐसी बीमारियां जिसमें एड्स, टीबी, कैंसर, मलेरिया आदि महामारियां, इनका खतरा बना रहता। और वर्तमान में भी कोरोना आदि जो बीमारियां हो रही हैं, इनकी जड़ में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कहीं ना कहीं अवश्य होगा। खाद्यान्न की समस्या तो विकराल रूप ले ही चुकी है, क्योंकि उपजाऊपन कम हो रहा है और इसलिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न के उत्पादन के लिए किया जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उत्पादकता में आने वाली कमी को रोकने के लिए, लेकिन विश्वव्यापी समस्या तो बनती ही जा रही है खाद्यान्न की कमी। तो इस प्रकार ये सारे खतरे एक विकराल रूप लेते जा रहे हैं। यदि हम समुद्र तटीय प्रदूषण की बात करें, समुद्र तटीय प्रदूषण तो ये एक वैश्विक चिंता है। समुद्र तटीय प्रदूषण एक वैश्विक चिंता बन चुका है। भूमि की मात्रा सीमित है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और विकास के नाम पर जो होड़ मची है, उत्पादन में जो होड़ मची है, उस बढ़ते हुए उत्पादन, उस होड़ में होने वाले उत्पादन के कारण वेस्ट भी बढ़ रहा है। उत्पादन तो बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो वेस्ट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, बचा हुआ जो सामान निकलता है, रिजेक्टेड जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका क्या हो रहा है? वो सब प्रदूषण का कारण बन रही है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल, ये बहुत सारे देश इनको समुद्र में फेंकते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और तथाकथित विकसित देशों का योगदान समुद्री पर्यावरण को बिगाड़ने में ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए समुद्र में इस वेस्ट को फेंकना सबसे सरल उपाय है। और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं और बढ़ने लगी हैं। ये समुद्र में फेंक दिया उन्होंने, समुद्र पोल्यूटेड हो गया और वो पोल्यूटेड समुद्र का पानी अब दूसरे देशों की सीमाओं को, तटों को छू रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? तट में स्थित देश या कचरा फेंकने वाले देश? दोनों ही एक दूसरे को दोष देते हैं। तो इस प्रकार विश्वव्यापी समस्या बढ़ गई है, समुद्र तटों पर प्रदूषण बढ़ा है और इसका कुल मिला के परिणाम क्या? बढ़ता हुआ पर्यावरण पर बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव। कुल मिला के हम ये निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि और विकास की प्रक्रिया, आर्थिक समृद्धि और विकास की प्रक्रिया, मैंने अभी शब्द यूज़ किया था विकास की परिभाषा के बारे में, मैंने आपको जिक्र किया कि तथाकथित विकास के नाम पर औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण ही देशों को विकसित करता है
और जब तक विकसित नहीं होंगे सभी देश तब तक पर्यावरण दूषित होता रहेगा, ये एक विषम चक्र बना है। उसमें आपको ये बात को ख्याल रखना होगा कि पर्यावरण की अवनति का सबसे बड़ा स्रोत आर्थिक समृद्धता बढ़ती हुई और वर्तमान की विकास की परिभाषा और विकास की प्रक्रिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही जब विकास की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत बढ़ जाता है और इस प्रकार कई बार ये दोहन, बल्कि अधिकतर ऐसे दोहन जो हैं उसका कोई आधार नहीं रहता। निराधार तरीके से इसका दोहन हो रहा है जिससे पर्यावरण का खतरा और गंभीर हो गया है। ये जो सामान, जो संसाधन, जो जमीन के अंदर से जो दोहन हो रहा है उसका निर्माण दोबारा निर्माण नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें जो जल्दी निर्मित नहीं होती। पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा, कोयला और या जो भी अन्य मेटल्स हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जिनके उपयोग से तथाकथित विकास हो रहा है, वो दोबारा नहीं बनते हैं। या दोबारा बनते हैं तो खरबों वर्ष में, अरबों वर्ष में। और दोबारा ना बनने वाले संसाधनों का खाली होना, कच्चे माल का कम हो जाना, खासकर कच्चा तेल, कच्चा तेल अर्थात जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये दुनिया में कम हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी गहरी समस्या हो रही है। इतनी ही गंभीर समस्या पर्यावरण प्रदूषण में वायु, जल और शोर प्रदूषण की भी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का मैं जिक्र कर चुका हूँ, वायु प्रदूषण का जिक्र कर चुका हूँ, ऐसे ही शोर प्रदूषण भी हो रहा है। शोर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, संसाधनों के आधार की हानि, संसाधनों के तथा उसकी अवनति, पर्यावरण की अनुमति, दोनों के कारण भारी आने वाली जो पीढ़ी है वो उत्पादन क्षमता को बड़ी भयभीत कर देने वाली क्षति पहुंचा रही है। क्योंकि संसाधनों के जो उसका दोहन हो रहा है उससे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, और उस दुष्परिणाम में सबसे बड़ा दुष्परिणाम संसाधनों का धीरे धीरे कम होना और पर्यावरण में अवनति होना, पर्यावरण में गिरावट होना, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो जिस तरीके से इस रास्ते में आगे बढ़ रही है वो स्थिति बड़ी खतरनाक है, भयभीत करने वाली है। और यदि इस तरह की समृद्धि, इस तरह के विकास को रोका नहीं गया और इस तरह के विकास को की गति को ऐसा ही बनाया रखा या उसकी बढ़ती रही गति, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं जब ये तथाकथित विकास जो है वो आत्मघाती साबित हो जाएगा। विकास की प्रतिक्रिया ही हमारी समाप्ति, हमारे अंत का कारण बन बैठेगी। एक ओर हम विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर इस बात से हम भयाक्रांत हैं कि यही विकास हमारे विनाश का कारण बनेगी, आत्मघाती बन जाएगी। तब विकास प्रक्रिया हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए, जीवन के अस्तित्व की समाप्ति का कहीं आधार न बन जाए। तो इतनी गहराई हुई समस्या निश्चित रूप से एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। पर्यावरण के सरोकार विश्व राजनीति में इसीलिए शामिल किए गए हैं, और चूंकि ये वैश्विक समस्या है इसलिए विश्व राजनीति की बात होती है। किसी एक देश के कानून बनाने से, किसी एक देश के संरक्षण में राष्ट्रों के मध्य सहयोग
कुछ राष्ट्रों के मध्य सहयोग, उससे इसका हल नहीं होगा। और पर्यावरण रक्षा हेतु जरूरी क्या है कि राज्य के द्वारा, सभी देशों के द्वारा समग्र रूप से कानून बनाए जाएं, पर्यावरण संरक्षण में सभी राष्ट्रों के बीच में सहयोग हो, और जो पर्यावरण से सरोकार रखते हैं यानी एनजीओज या आदि आदि अन्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, इन सब को इसमें शामिल होना जरूरी है। और इसीलिए राजनीति या राजनीति विज्ञान का यह एक विषय बन चुका है।